गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकपैक स्टोरी एंड आई एम पूजा। आज हम निकल रहे हैं उत्तराखंड कुंवारी पास ट्रैक के लिए। ये ट्रैक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं हम। इस बार टीम जो है हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है, लगभग 19 से 20 कैंडिडेट है हम लोग साथ में। तो अभी जो है हम हावड़ा स्टेशन पे है, हम ट्रेन पे बोर्ड करने वाले हैं 1 बजे और कल शाम तक हम पहुंचेंगे हरिद्वार स्टेशन तक। वेलकम बैक टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर जर्नी टू उत्तराखंड विद बैकपैक स्टोरी। दिस जर्नी सपोज टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड वंडरफुल विद लॉट्स ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट, विच वॉज शेड्यूल्ड फ्रॉम 16th अक्टूबर टू 25th अक्टूबर 2021। ऑन द फर्स्ट एपिसोड वी विल सी योर जर्नी फ्रॉम हावड़ा टू हरिद्वार। वी फेस्ड रेड अलर्ट ऑन द हिल, लैंडस्लाइड एंड मेनी मोर। So we had a whole new experience and got to learn so many things. So keep watching the video till the end. The journey started from Hawrah station on 16th October and this time with 19 members in the team. We didn't want it to go through any agency. So we arranged the whole trek by ourselves as it's going to be a whole new experience for many of us. We had almost of 150 kg of luggages with us as we were carrying our tent, sleeping bags and food for the entire trek. All the members met at Hawrah station on decided time and spot. We boarded on train at 1 p.m. on 16th October and that's how we started our journey by Upasana Express from Hawrah station. सारे न्यू ट्रेकर्स भी है जो फर्स्ट टाइम ट्रेक करने वाले हैं, तो उनसे भी मिलेंगे हम। वैशाली, शी इज अ फर्स्ट टाइम ट्रेकर, चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम है सुबह के 4 बजे और हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर। टाइम से बहुत पहले चल रही है ट्रेन, तो हम थोड़ा सा स्टेशन पे उतरे हैं चाय पीने के लिए। पीछे और 2 मेंबर्स हैं, से हाय। अभी टाइम है 7:10 और हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। सो सबको स्वागत है लखनऊ में। अभी यहाँ पे ट्रेन कुछ देर रुकने वाली है, हम यहाँ थोड़ा टहलेंगे, थोड़ा सा कुछ सामान लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। शाम तक हम शायद हरिद्वार तक पहुँचेंगे, तो लेट्स सी उसके बाद क्या क्या होता है। ऑन द सेकेंड डे इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली एंड ड्यू टू बैड वेदर The train was late by 1 hour 30 minutes. हम सब पहुँच चुके हैं हरिद्वार स्टेशन। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा लेट था। अभी हम सब अनलोडिंग हो रहा है, इसके बाद हम जाएंगे भारत सेवा आश्रम, वहीं पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, वहीं पे आज रात को रुकेंगे और इसके बाद आगे का प्लान आपको आगे चल के बताएंगे। ड्यू टू COVID-19 There was a strict checking procedure at the exit of Haridwar station. Guys, यहाँ पे एक कंपल्सरी चीज़ है जो स्टेशन से निकलते ही आपको डबल डोज का जो सर्टिफिकेट है वो चेक कराना होगा, वो इम्पोर्टेंट है। सो यू मेक श्योर कि आपके पास वो डबल डोज का सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट भी हो और साथ में आपका एक आईडी प्रूफ हो जो नेसेसरी है। इफ़ अगर वो आपके पास ना है, नहीं है, तो पॉसिबली ये भी हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले। So, आपके पास ये डॉक्यूमेंट सारे रखना। One of our team member who was coming from Delhi to join us, he had booked the hotel nearby to the station. He booked 3 rooms at Bharat Seva Ashram, which was 5 to 10 minutes away from the railway station. After unloading the entire luggages, we started walking towards the ashram, where we supposed to stay
for the night. After reaching Bharat Sevashram, room was allotted to us. यहाँ पे जो rooms हमने लिया है अभी 18 लोगों के लिए costing बहुत ही ज़्यादा low है. अगर आप लोग plan कर रहे हैं यहाँ पे 2-3 दिन आके रुकने के लिए या फिर हरिद्वार में nearest to the station, ये बहुत ही अच्छी location है, बहुत ही अच्छी place है रहने के लिए. अगर details चाहिए होगा तो description में mention होगा, you can check that. Our next move to Chamoli was decided at 2 a.m. in the night. Without wasting any time, we got freshen up and decided to have our dinner at a local hotel named as Dada Bodhi Hotel, which is very famous in Haridwar. After finishing our dinner, we moved back to our rooms and decided to take some rest before leaving to Chamoli. Due to bad weather, as it was still raining, unfortunately, we could not leave for Chamoli to start the trek at last night. And we were informed by our guide that red alert is declared because of landslide and heavy rainfall. So we stayed at ashram for the whole day. And as we could not leave for the trek, we wanted to visit Har Ki Pauri Ghat to watch famous Ganga Aarti at Ghat. Good morning guys, as date is 18th October. और अभी टाइम है 9 बजे. यहाँ का मौसम जो है बहुत ख़राब हो चुका है. हम लोगों को कल रात 2 बजे निकलना था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि ऊपर पहाड़ों पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है हेवी रेनफॉल के लिए. इस वजह से हम लोग निकल नहीं पाए. तो इस मौसम में ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू गो टू कुआरी पास ट्रैक, बट क्योंकि इतना दूर हम लोग आए हैं, हम बिना ट्रैक किए जाएंगे नहीं. तो इसीलिए हम डिसीजन ले रहे हैं कि कहाँ पे हम अभी फ़िलहाल ट्रैक कर सकते हैं. देखते हैं हम कहाँ पे जाने की डिसीजन लेते हैं, तो आपके साथ शेयर करेंगे. टोकन लेके ये बूफे सिस्टम है, आपको लाइन में लगना होगा, वहाँ से आपको दिया जाएगा खाना. और We reached to Har Ki Pauri and decided to explore the place and decided to witness the evening Ganga Aarti. The ghat was very clean and beautiful, also nicely arranged and decorated. Every day at morning, Aarti starts from 5:30 a.m. to 6:30 a.m. and in the evening from 6 p.m. to 7 p.m. Ganga Aarti is one of the most famous in Haridwar. River Ganga is considered as goddess which was originally living in heaven. Ganga Aarti at Har Ki Pauri was started by Pandit Madan Mohan Malviya in 19th and 10th centuries. Recently, he was awarded with Bharat Ratna. तो अभी हम हरिद्वार घाट पे हम जा रहे हैं आरती देखने के लिए. साथ में रहिए, आपको भी दिखाते रहेंगे. एवरेज ऑफ 3000 टू 30,000 और इवन मोर पीपल कम्स टू एक्सपीरियंस इवनिंग गंगा आरती. दिस घाट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेस टू टेक पार्ट इन द होली रिवर गंगा. दैट्स व्हाई इट अट्रैक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, स्पेशली during the Kumbh Mela, when the time is also auspicious. It attracts millions of people to take bath in Ganga during Kumbh festival, which comes after every 12 years in Haridwar. During the Ganga Aarti, Pandit comes and starts the ceremony. Initially, they chant Sanskrit mantras along with offering such as cotton, milk, sugar and some other things. These are symbolic offerings. तो अभी अभी हमने देखा हरिद्वार की आरती और पूजा. अगर आपको यहाँ पे भी पूजा देना है तो जो फ्लावर की डाली होती है वो खरीदना होता है, फिर आप दे सकते हैं. लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी सेफ्टी भी मेंटेन कीजिए. और क्योंकि कोविड का टाइम है तो मास्क भी यूज़ कीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है.
एंड साथ में रहिए, आगे तक देखते रहिए वीडियो को. आफ्टर विटनेसिंग द गंगा आरती वी टुक अ वॉक थ्रू द घाट. द घाट वॉज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई शॉप्स, फूड कोर्ट्स एंड मेनी मोर. वी स्पेंड सम टाइम्स एट हरकी पौरी घाट. वी हैड लॉट्स ऑफ फन. वी गॉट टू नो अबाउट वराइटीज ऑफ चाट्स विच इज क्वाइट फेमस इन हरिद्वार. सम ऑफ अस ट्राइड चना मसाला चाट्स एंड देन वी हैड खिचड़ी एस प्रसाद विच वॉज सर्व एट घाट बाई लोकल पीपल स्टेइंग देयर. And that's how our first day at Haridwar ended. If you have liked our video, do not forget to like, share and comment. We will be back shortly with the next episode of our journey. Till then, press the bell icon, subscribe the channel and stay tuned with us. Take care. Tada.